हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू जंग विद मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे नाउ स्टार्ट द न्यू चैप्टर। द चैप्टर नेम इज हीरोंस फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे कि व्हाट इज द हीरोंस फॉर्मूला, होता क्या है या फिर वो कहां से आया, उसका यूज क्या है। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट द क्वेश्चन। तो हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनसीईआरटी बुक के क्लास सीरीज, आपको पता ही क्लास सीरीज है वो 9th है। तो जो हीरोंस फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो होता क्या है, तो अभी भी मैंने बताया जो हीरोंस फॉर्मूला होता है वो बेसिकली आपका कहाँ पे यूज होता है, जब आपका क्वेश्चन में आपको स्केलर ट्रायंगल दिया हो, ठीक है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एरिया जब बोला जाए कि जो हीरोंस फॉर्मूला वो बेसिकली आपको एरिया फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी आपको एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला जाता है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल का भी एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है। लेकिन क्या होता है, स्केलर ट्रायंगल का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। तो जैसे स्केलर ट्रायंगल आ जाता है वहां पे आपको क्या होता है, हीरोंस फॉर्मूला यूज होता है। तो इस चैप्टर में कंप्लीट स्टूडेंट्स एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं। ये चैप्टर जो फॉर्मूला है वो बहुत अच्छे से एक मैं करा देती हूँ कि जैसे आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको कंप्लीट चैप्टर वो क्लियर हो जाएगा। तो टुडे नाउ स्टार्ट दी क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 12.1। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 203। चैप्टर नेम अभी मैंने वो आपको ऑलरेडी बताया कि दी चैप्टर नेम इज हीरोंस फॉर्मूला है और आपकी बुक है वो एनसीईआरटी है एंड क्लास सीरीज 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीरोंस फॉर्मूला, तो हीरोंस फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका अंडर रूट, देखो एस, अब देखो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस, अब देखो ए क्या है, ए बी सी, तो ए बी सी जस्ट पेज के यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए एक ट्रायंगल बना लिया। तो उसमें क्या है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। कि आपके जितनी भी साइड्स हैं वो सारे साइड्स क्या है, डिफरेंट है। जैसे डिफरेंट साइड्स आ जाती है तो वहां पे क्या होता है आपका हीरोंस फॉर्मूला यूज होता है। तो यहाँ पे क्या था, जैसे कि ए साइड बी एंड सी, ठीक है। अब ए बी सी तो हो गया, अब क्या फाइंड आउट करना है आपको एस। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बस यहाँ पे ऐसे लिख लू हीरोंस फॉर्मूला, ठीक है। तो हीरोंस फॉर्मूला से एफ डाल देते आप समझ जाओगे। अब उसके बाद है आपका एस, एस मतलब कि सन्नी पेरिमीटर। एस मतलब सेमी पेरिमीटर। तो एस कैसे फाइंड आउट करते, देखो जो भी साइड होगी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, कि साइड आपकी ए है बी है और सी, क्योंकि तीन साइड गिवन है आपकी फिगर में, तो ए बी सी अपॉन टू। तो जो भी है आंसर आएगा वो आपका एस में हो जाता है। जस्ट एक एग्जांपल हमने लिया हुआ था 3 सेंटीमीटर 4 और 5, तो 3 और 4 7 और 5 12, तो 12 अपॉन क्या होना था 2, तो क्या आ रहा है आपका 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका हीरोंस फॉर्मूला। तो आई होप कि आपको फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू कैलकुलेट कि एस कैसे आपको कैलकुलेट। मैं रब कर रही हूँ बस, ये रब करूँ फॉर्मूला, ये रब करूँ फ्रेंड। अब क्वेश्चन हम रीड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन देखो, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग द स्कूल ए हेल्ड इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच द साइड्स ए, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग द हीरोंस फॉर्मूला। इसमें क्या बोला गया है कि एक ट्रायंगल है वहां पे बोल तो दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये भी ए हो गया ए ए। क्या बोला गया है स्टूडेंट्स कि आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल को किससे फॉर्मूला से बोला गया है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, हीरोंस फॉर्मूला यूज करना है। तो हीरोंस फॉर्मूला करने के लिए क्या करोगे आप, कि सारी साइड्स गिवन है ए ए ए राइट, तो जैसे साइड्स गिवन है तो आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो कैसे करेंगे,
साइड ऑफ ए ट्रायंगल, क्या होगा? ए होगा, ठीक है। अब क्या है, आपको फॉर्मूले में पुट करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट करनी है तो सारी साइड तो ए बी सी ए तो हो गया। अब आपको एस फाइंड आउट करना है, तो एस के लिए मैंने बताया था सेमी पेरिमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ए ए ए ए तो क्या आएगा, वन टू थ्री, तो थ्री के अपॉन ये आपका आ गया। जैसे आपका आता है आपको ये जो एस आ गया, ये क्या आ गया आपका एस आ गया, एस आ गया तो आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। कैसे करोगे, अंडर रूट थ्री ए, अब देखो 3a माइनस अपॉन में क्या था 2k, यहाँ पे क्या आएगा 3a अपॉन 2k, नेक्स्ट होगा 3a अपॉन में 2 माइनस, ये हो गया। जैसे ही आपने अंडर रूट किया तो अब मैं ऊपर का रूट करूँ फ्रेंड्स, किसी भी स्टूडेंट को प्लीज कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, अब डायरेक्टली 3a आ गया, अब क्या आएगा एलसीएम ले ले, तो एलसीएम क्या आएगा 2 एलसीएम आ गया, तो 2 एलसीएम आया तो यहाँ पे तो क्या आएगा, जैसे 2 एलसीएम आया तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3a, 3a माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा 1, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 मल्टीप्लाई बाय, सेम एज इट इज नेक्स्ट आएगा 3a माइनस 2a अपॉन टू 3a माइनस 2a अपॉन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेम बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं है, मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ, ये रन कर देती हूँ। तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे अंडर रूट, क्या था ये 3a अपॉन 2, अब देखो यहाँ पे भी क्या आएगा a अपॉन 2, a अपॉन 2, a अपॉन 2, तो 1 2 3 4 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला हो जाएगा 3a, अब देखो 2 की पावर कितने टाइम, सॉरी 1 2 3 4 और a की है a भी आपको 4 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट में 4, ठीक है। तो अगर ये 4 हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a अपॉन 2 अंडर रूट स्क्वायर, ठीक है। कि यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में a अच्छे से और यहाँ पे रूट 3, तो ये आपका आ गया। तो आई होप कि स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप क्यों, क्या है क्योंकि यहाँ पे इसको ये निकाल दिया, देख तो इसको क्या, तो आप ये भी लिख सकते हो कि रूट 3 अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन में, दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ तक आपको एक ही साइड से आपको यहाँ तक आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट करा रही हूँ, उसके बाद क्या है, क्या बोला गया, इफ द सेमी पेरीमीटर, इफ द पेरीमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द सेम एरिया इन द बोर्ड, कि अगर आपका क्या बोला गया है कि टोटल जो सेमी पेरीमीटर है वो कितना है, 180 गिवन है, जैसे 180, तो अगर एक साइड देखे तो एक साइड कितना जाएगी पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ बोथ साइड्स, या फिर क्या कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये वाला 180 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो क्या होगा 180 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू में साइड, ठीक है। तो कट कर देंगे 36 18 30, तो आपकी साइड्स कितनी आ गई, एक जो साइड है वो आपकी आ गई, यहाँ पे बना देती हूँ मैं इसी में 60
उसके बाद क्या बोला गया कि अगर हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, बिकॉज हमें आपको एरो फॉर्मूला यहाँ पे भी पुट करना है, तो अगर यहाँ पे सेमी पेरीमीटर कैसे करोगे? सेमी पेरीमीटर किसको बोलते हैं स्टूडेंट? एस को बोलते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? 180 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ गया? 90 सेमी। तो आपका क्या है, पेरीमीटर से साइड आ गया 60 और यहाँ पे एस आ गया आपका 90। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, मैं रब कर देती हूँ। अब हमारा फॉर्मूला था कि यहाँ पे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो यहाँ पे S आपका क्या आया था? 90। अब यहाँ पे क्या आएगा? 90 माइनस 60। क्यों? क्योंकि A 60 है, B 90 माइनस 60, 90 माइनस। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या आएगा? 90, यहाँ पे क्या आएगा? मल्टीप्लाई 90 माइनस 60 30 30 एंड 30, क्योंकि 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60। अब इसको क्या करना है ना, हमें सॉल्व करना है। तो 90 हो देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइड में करके देख लेते हैं। 2 से क्या आएगा? 45। 2 से सॉरी 3 से जाएगा तो 15, 3 से 5, 2 3 से 6, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90। तो यहाँ पे क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो था, यहाँ पे अपने को पेयर बनाते जाओ, यहाँ पे 3 का मतलब है। अब यहाँ पे 30 को हम कैसे करेंगे? 2 से क्या यहाँ पे 15 आ गया, 3 से क्या यहाँ पे 5, ये हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, नेक्स्ट आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड लास्ट वन आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय। अब देखो यहाँ पे पेयर कैसे बनाओगे, क्योंकि अलग अलग से बनाओगे ये ऐसे, ठीक है ना, और लास्ट में। अब एक थ्री आपको स्टूडेंट्स बच गया, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, 3 का तो कोई पेयर ही नहीं बन रहा। जैसे 3 का पेयर नहीं बन रहा तो कोई नहीं, अब क्या है, जो पेयर हमारा बन रहा उसको बाहर लेके आते हो। ठीक है, देखो 2 का 8 बन गया, 2, 3 का बन गया 3, 5 का बन गया 5, अगेन 3 का बन रहा है 3, अगेन सॉरी इस 2 का यहाँ से बन रहा है 2 और एक 5 से बन रहा है, तो 5 रूट में, क्योंकि यहाँ पे एक जो 3 है वो क्या है, सिंगल टाइम हमारा बच गया। तो यहाँ पे ये लिख दो, जैसे हमारा कोई भी डिजिट अगर फिर सिंगल टाइम बचता तो उसको ये लिखते जाओ। तो नेक्स्ट क्या होगा, देखो 2 3 6 6 5 30 30 को 3 से करेंगे 90, 90 को 2 से करेंगे 180, 180 को 5 से करेंगे 90। यहाँ पे क्या आएगा? रूट 3। तो आपका आंसर है वो स्टूडेंट्स वो क्या आएगा? 900 रूट 3। तो आंसर किस में था आपका? सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर फिर भी कि आपको जैसे ही किरोस फॉर्मूला यूज किया आपका आंसर क्या आया? 900 रूट 3 सेंटीमीटर। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 12.1। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, द ट्रायंगुलर साइज मोस्ट ऑफ द फ्लायर्स हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट, दिस साइज आर 1.2 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट डेट ऑफ द ईयर earning of rupees 5000 per
meter square per year. So a company here, one of the goal for the 3 months. So how much rent did he pay? इसमें मेरे क्वेश्चन का मीनिंग है फ्रेंड्स कि एक फ्लाईओवर है, तो फ्लाईओवर पे आपको जो साइड है वो आपको गिवन है 122 मीटर, 22 मीटर है 120 मीटर. तो एक एडवर्टीजमेंट होती है वहां पे स्पोर्ट्स जो वॉल्स पे या फिर पंपलेट्स वगैरह जो भी है करते, तो वो क्या है कि 5000 रुपीज उसको पर ईयर जो है वो अर्निंग होते हैं. तो उसने बोला है अगर 5000 वो 3 मंथ में है तो वो कितने रुपीज पे करेंगे. तो हाउ टू कैलकुलेट द क्वेश्चन, तो साइज ऑफ द साइज ऑफ द ट्रायंगल हाउ मच कितना है, क्या क्या हो जाएगा 22 मीटर, 20 मीटर एंड 120. तो यहाँ पे क्या है एस आपको सेमी पैरामीटर फाइंड आउट करना है. सेमी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू ए बी, ओके 112 प्लस 20 प्लस में 1 अपॉन टू, ओके. तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टू फोर और टू सिक्स, ठीक है. नेक्स्ट साइड में बनो डिवाइडेड बाय, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पे कितना हो जाएगा. सॉरी फ्रेंड्स वहां पे 220 नहीं 22 था, तो 2 4 अब डिवाइडेड बाय 2, तो 132 मीटर ये आपका आ गया. ये आपका एस आर, तो हाउ टू कैलकुलेट, तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ओके. तो यहाँ पे क्या है मतलब मैं आपको कर देती हूँ, वन थर्टी टू आया है वो हमें बिल्कुल याद है 132. कैसे होगा 132 माइनस में क्या होगा 122 माइनस में क्या होगा 22 एंड लास्ट वन 132 माइनस में 1, ओके. हमें नीचे कर दिया कर दूं. नेक्स्ट होगा 132, अब यहाँ पे क्या है 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 1. अब यहाँ पे क्या आएगा 2 1 12 होगा. नेक्स्ट होगा अब 132 कैसे करेंगे 2 6, और यहाँ पे भी क्या आएगा 6, 2 से अगेन 3 3 3 1 1, ओके. तो 2 × 2 × 3 × 11, यहाँ पे 11 मैंने डायरेक्टली 11 को, अब 10 5 × 2, नेक्स्ट 1 × 10 में क्या होगा 2 × 55, और यहाँ पे क्या होगा 5 × 1, 2 × 5 × 11, यहाँ पे क्या होगा 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12. तो अब हमें पेयर्स बनाने हैं, पेयर्स हाउस पेयर्स, तो कैसे बनाओगे ठीक 11 5. एंड लास्ट वन एक पेयर हो, सॉरी यहाँ पे रूट में नहीं आएगा ना, बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ भारी तो निकालना है. 2 3 6 6 को जब हम क्या करेंगे 11 से करेंगे 66 66, और यहाँ पे क्या है 2 2 4 4 5 20 20 आया,
तो 2 6 12 और 1 13। तो यहाँ पे पर मीटर। तो यहाँ पे है 3 months का निकाल रहे हैं तो क्या होगा 5000 upon 12 बिकॉज क्यों, क्योंकि 1 year हाउ मेनी मंथ्स 12 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय गिवन दिस नंबर 3 1 3 2। ओके तो 3 1 3 4 4 3 4 3 यहाँ पे क्या आएगा 5 3 15 और 16। ठीक है देखो 1 2 3 4 1 2 3 इट्स मीन योर जो आपकी मनी है वो क्या हो गई 16,50,000 आज की जो हमारी क्लास है वो ओवर करते स्लाइड इन पार्क वन ऑफ दिस साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन दिस सेम कलर विद ए मैसेज कीप द पेन ग्रीन एंड क्लीन। इसमें क्या है कि आपको एक ट्रेडलर पार्क के गिवन और एक जो वॉल है मतलब कि दीवार है उसमें आपको क्या लिखा होता है यहाँ पे लिखा कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15 meters, 11 meters and 6 meters तो फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर। तो हाउ टू कैलकुलेट फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव और यहाँ पे तो 4 5 20 √2n।
तो द टोटल एरिया कि आपका टोटल एरिया हाउ मच कितना आया है 20 m, किसमें आएगा क्योंकि यहाँ पे आपको 12 मीटर में आएगा, स्क्वायर में आएगा या मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर में, बिकॉज मीटर स्क्वायर में क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 sides का गिवन कि जैसे अगर एरिया बोला जाता था आपका स्क्वायर में आता है, क्यूब का सॉरी वॉल्यूम बोला जाता था आपका क्यूब में आता है, क्योंकि क्यूब में क्या होता है बिकॉज वहाँ पे आपके हाइट की कैलकुलेशन हो रही है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज आपकी 12.1। प्लीज नोट इट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होल साइड टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरिमीटर इज 42। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको थर्ड साइड कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि आपको पेरिमीटर दिया है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 42 सेंटीमीटर और यहाँ पे साइड ए एन बी तो क्या आएगा 18 सेंटीमीटर 10। तो हाउ टू कैलकुलेट एस, आपको पेरीमीटर था तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय साइड्स या फिर क्या हुआ ए प्लस बी प्लस सी, कोई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा 42 इज इक्वल टू 18 प्लस 10 प्लस सी, सी आपको कैलकुलेट करना, तो 42 इज इक्वल टू 28 माइनस प्लस सी, तो 42 माइनस 28 इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे क्या आएगा 14, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, इसको तो 14 सेंटीमीटर सी आ गया। अब क्या जैसे थर्ड साइड आई आपको एस निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट एस, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, वो कैसे कैलकुलेट होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके 18 प्लस 10 प्लस में क्या होना था आपका 14 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 42 था डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 21। ओके ये 21 आ गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एस का फॉर्मूला यूज करें, तो एस निकालने के लिए आपको दोबारा रख दूंगा, एक साइड 14 आगे के लिए याद रखनी है, यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड साइड 14। ओके नाउ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो एस आपका हाउ मच 21, तो एस 21 माइनस यहाँ पे क्या था 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 40 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट इज इक्वल टू 21 एज इट इज 18 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। ओके तो यहां तक आपका आ गया। तो नेक्स्ट होगा अच्छा 21 को हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट इस पर 3 से 3 का पेयर 7 से 7 तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होगा 21 डायरेक्टली लिखो रूट 11 तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 17 एंड 25 एंड इट्स पैरामीटर इज 547 फाइंड इट्स एरिया। इट्स मीन कि आपको रेशियो साइड्स इज मोर देन गिवन रेशियोज आर गिवन तो आपको साइड्स कैलकुलेट करोगे हाउ टू कैलकुलेट दिस साइड्स पर रेशियो ऑफ ट्रायंगल
एक फाइव तो यहाँ पे बन चुका ना, तो जब क्या करेंगे इसको करेंगे
का आंसर क्या है 1/1000। इसमें था रेशियो तो मीटर में था या सेंटीमीटर में था, या फिर सेंटीमीटर तो यहाँ पे भी क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1/5 का यहाँ पे देखो स्ट्रेस यहाँ पे ये ऑलरेडी बन गया, मेरे को यहाँ से गलती से ध्यान दिया मैंने वापस। तो योर आंसर विल बी 9000। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। तो प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोसेल्स? इट्स मीन्स कि टू साइड्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल हैज पेरिमीटर इज 30 एंड ईच ऑफ इक्वल साइज। कि अभी मैंने आइसोसेल्स की प्रॉपर्टीज बताई कि टू साइड्स आर इक्वल, तो टू साइड्स आर इक्वल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ट्रायंगल। तो क्या है आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अन इक्वल साइड इक्वल साइड गिवन है, हाउ मच 12, पैरामीटर इज ऑल्सो गिवन, एफ 12 + 12 + सी क्यों, क्योंकि थर्ड साइड आपको अनइक्वल फाइंड आउट कर दी। तो यहाँ पे आपको 30 है, तो यहाँ पे 12 + 12 = 24 + 6, 30 - 24 = 6, 6 = 6। तो जो वैल्यू ऑफ आपको क्या आ गया, आपके आ गया 6। अब नेक्स्ट क्या था, एस निकालने के लिए क्या था, a + b + c। तो ऑलरेडी आपको क्या है, तीनों का सम 30 है, तो 30 / 2 क्या होगा, यहाँ पे क्या करते हैं फॉर्मूला आपका क्या, एस निकालने के लिए s - a, s - b, s - c, ओके। तो s - b 15, अब यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट 15 - 12, 15 - 12, 15 - 8। नेक्स्ट होगा 15, अब देखो मल्टीप्लाई 15 को 13 12 करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 15 को जो करेंगे तो 9, 15 - 6 = 9। तो नेक्स्ट होगा 5 को 3, नेक्स्ट 3 एंड लास्ट वन 3 × 3 3 का पेयर 3 से, 3 का पेयर 3 से, तो क्या होगा भार 9 आ जाएगा आपका, 9√50 किसमें आंसर गिवन है सेंटीमीटर। तो द आंसर विल बी 9√50। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। ओके तो सेंस टुडे इज कंप्लीट, दी बाकी क्लास में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, तो उसको हम इजी वे से कैसे करें। लास्ट क्लास में तो बस एक फिगर होती थी, आज के में क्या होगा कि टू फिगर्स आर गिवन, कि दो फिगर्स गिवन होगी उनको ज्वाइन करो क्या होता है एक ही फिगर होगी, उसको 5 पार्ट्स में पार्ट होगा जस्ट लाइक दैट। ओके नाउ स्टार्ट, ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ABCD हैज एंगल सी 90 डिग्री। देखो अब क्या है कि उन्होंने बोला है जो एंगल सी है वो फ्रेंड्स क्या हुआ 90, तो मैं डायरेक्टली 90 डिग्री बना रही हूँ। ठीक है कि कोई एक उन्होंने बोला कि क्वाड्रिलेटर है तो ये पाप की शेप में, तो ये आपका क्या होगा 90 डिग्री का होगा। उसके बाद बोला है कि एंगल सी है, एंगल सी ये सी हो गया। ओके उसके बाद है ए बी इज 9 सेंटीमीटर। अब क्या है नेम डालने हैं, तो ए बी सी, सी और डी। ओके तो ऑल द नेम्स ऑफ द फिगर की हमने नेम रिप्रेजेंट कर लेते, तो ए बी इज 9 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर ये नो, बी सी, बी सी इज 12, सी डी, सी डी इज 5 एंड ए डी, ए डी इज 8।
डज दी ऑक्यूपाई, कि जो ये टोटल एरिया है आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका राइट ट्रायंगल बन रहा है, इसमें यहाँ से हम क्या कर देंगे, ये डायगोनल्स हो जाएगा, एडी का डायगोनल्स हो जाएगा। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन इन ट्रायंगल, क्या हो जाएगा ए सी डी, कि हम क्या करते हैं स्टूडेंट, देखो इसको पार्ट वन के नाम से करते हैं, इसको टू के नाम से, जैसे इसको कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट दी पार्ट वन एंड कैलकुलेट दी पार्ट टू एंड एड दी बोथ पार्ट, जो आंसर आता है दोनों को एड कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा जो है ए सी डी ट्रायंगल, ए सी डी, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब यहाँ तो क्या है राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, ठीक है। और देखो ये आपका बेस है, 90 डिग्री किसके ऊपर बनना है, डीसी के ऊपर, तो एच मीन दिस इज द बेस, ठीक है। अब ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, दिस इज वन hypotenuse, जो अपोजिट एंगल होता है आपका राइट एंगल का, दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द एंगल, ओके। तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, तो अब बेस इनटू हाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इधर को पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं, 1 हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, हाउ मच, बेस कितना हो रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 1 जा 2 6 जा 30 मीटर स्क्वायर, ओके। तो आपका जो ये वाला ट्रायंगल है फर्स्ट, जब वो आपका हाउ मच कितना आ रहा है 30 मीटर, ठीक है। अब सेकंड ऑफ ऑल क्या है कि आपको दूसरा ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, तो दूसरा ट्रायंगल के लिए क्या करोगे आप, क्या है ये हमारी क्या है हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करोगे, तो हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड आउट करते थे हम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस जो थ्योरम है वो यूज हो रही है, क्या हो रही है, ये लोग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर आपकी 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू में, ओके, तो 12 स्क्वायर 114 प्लस 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू में एच, ये हो गया, ओके। दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, 4 और 5 9, 4 और 2 6 और 1 एच स्क्वायर, तो एच में एच स्क्वायर क्या आ रही है 169, तो एच की वैल्यू क्या लगेगी, किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो दी वैल्यू ऑफ एच फ्रेंड्स ये क्या है 13, अब क्या जैसे ये 13 वैल्यू आ रही है तो आपसे क्या होगा, ये निकल के आ जाएगा कि अब क्या है, अब आप यहाँ पे न्यूटन फॉर्मूला लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, कोई भी साइड आपकी इक्वल नहीं है, तो मैं इसको रब कर रही हूँ, आई होप कि आपने नोट आउट कर लिया होगा, और एनीवन हैविंग इट डाउन तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स कमेंट कर दिया करो, ओके। नेक्स्ट होगा इन ट्रायंगल डीबीए, डीबीए, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यूजिंग न्यूटन फॉर्मूला, तो हीरोज फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, सबको पता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, ओके, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अब हाउ टू कैलकुलेट द एस, एस होता है सेमी पैरामीटर, क्या ए प्लस नाइन प्लस 13, 8, 9 और 13, 13, तो क्या आएगा 3 और 9, 12, 12 और 8, 20, 2 कैरी, 2 और 1, 3, और यहाँ पे किससे डिवाइड होना था 2 से, कि सेमी पैरामीटर क्या होता है, S यहाँ पे साइड में लिख दूंगा, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो फ्रेंड्स क्या आएगा S आपका, S 15 आ गया, अब क्या पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, बस डायरेक्टली आपको वैल्यूज पुट करनी है और नथिंग, तो टेक दी अंडर रूट, क्या करना है 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13, भाई एक 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 को मान
लो एक बी को मान लो सी को, तो ये ए होगा या बी होगा, ये सी होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसका टू साइड लगा देते हैं, 15 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 6, 15 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके यहाँ पे इस इक्वल टू में वापस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2। और देखो 2 से 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पे करार में, और 3 भी आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 से 35, 35 किसके नियरेस्ट होगा, 6 का होगा, क्या तो क्या करो 6, 2 3 6, और यहाँ पे क्या होगा 35। अब रूट 35 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब रूट 35 को अगर हम यहाँ पे 6 में लिखें तो क्या होगा 6 6 36, या फिर हम क्या करते हैं इसको, हम क्या करते हैं 36 की रिप्लेसमेंट में क्या लिखते हैं 5 9 4। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 35.9। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, क्या तो 6 भी लिख सकते हो या दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, तो मैंने 35.95 लिख दिया। अब क्या कि आपको फर्स्ट और सेकंड का तो दोनों का एरिया आ गया, अब आफ्टर दैट क्या करना है, सम ऑफ द कि आपको दोनों ट्रायंगल्स, तो फर्स्ट ट्रायंगल आपका क्या था, ऊपर मैं करके दिखा देती हूँ आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, नहीं सॉरी ए सी डी प्लस अच्छा ए बी डी, तो ए सी डी का 30 और यहाँ पे क्या है 35.9, तो ऐड कर देंगे हम क्या 65.95 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। तो आई होप कि सर ऑल ऑफ यू क्लियर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच ए पे। अब देखो कि आपको वापस एक क्वाड्रिलेटरल इज गिवन एंड ऑल साइड्स इज आल्सो गिवन, कि ए बी 3 सेंटीमीटर, BC is 4 cm, CD is 4 cm and last one DA is 5 cm. And AC is its main key, aapka this one is a diagonal of a given. So, dekho, hum draw a diagram. Okay, so AB. A, B, C, AB is 3 cm, BC is 4, CD is also 4, and DA is 5, and AC is 5. So, अब यहाँ पे क्या हो गया? दे हैव टू ट्रायंगल्स, कि आपके दो ट्रायंगल्स हो गए, तो एक बार लेते हैं एबीसी और दूसरी बार होगा एसी, तो टेकिंग द टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एबीसी। ओके, तो मैं ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन के आंसर फॉर्मूला लिख चुकी हूँ। अब देखो पहले एस निकालने के लिए, एस निकालने के लिए यहाँ पे मैं छोटा सा लिख रही ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, तो यहाँ पे क्या था, अब एबीसी में साइड हो जाएंगे 3 + 4 + 5, थ्री प्लस फोर प्लस फाइव डिवाइडेड बाय टू, 3 + 4 = 7, 7 + 5 = 12, 12 = 2, हैविंग एस इज इक्वल टू 6 एग्जैक्टली। तो फॉर द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन की अब आपको क्या है 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, ओके यहाँ पे क्या है आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2,
5.5
मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5। ओके, तो 4.5 के लिए हम क्या करेंगे, देखो 5.5 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 5। ओके, 0.5 को ऑलरेडी हमारा कॉमन आ रहा है। अब नेक्स्ट आएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 ऑल्सो कॉमन, 0.3 ऑल्सो कॉमन, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 अच्छा 1.1। तो 1.1 की जो वैल्यू होती है तो क्या होती है 1.76 की रूट आपकी वैल्यू क्या है, क्योंकि वहां पे क्या है 1.1 है वो रूट 3 के इक्वल हो जाता है, रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.76 होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस सबको क्या करोगे, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1.76। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा रखवा देती हूँ, साइड में रख कर लेंगे। तो आपका एरिया होगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1736 तो योर आंसर विल बी, आपको पॉइंट्स की डिनोट करने के बाद आपका टोटल आंसर आ जाता है 2.4825। ओके, 2.4825। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या है कि लास्ट में जो जीरो थे स्टूडेंट उसको क्या किया कि उन्होंने एड ऑन किया। ओके, तो जब एड ऑन नहीं किया तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर हो गया। नेक्स्ट होगा, अब फर्स्ट लाइन में रख कर रही हूं, एंड ऑल्सो मेंशन इन अदर साइड फर्स्ट लाइन में 2.485। ओके, एंड सेकंड ट्रायंगल, सेकंड इज क्या हुआ, दिस इज द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल मल्टीप्लाई बाय बी, तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5, सेकेंड इज 6.5। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज थर्ड इज आपका क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम ए बी सी डी, थर्ड इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हाफ ए बी प्लस सी डी ब्रैकेट हाफ भी होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे एक पॉइंट का नाम डिनोट कर लेते डीई। ओके, डी तो ऑलरेडी हाइट होगी, क्या इधर से लेना इधर से लेना नो इश्यू, बोथ आर सेम, तो डी। अब डीई हाउ टू कैलकुलेट, जैसे हमने ये किया तो क्या आएगा, डीई को क्या लिखना पड़ेगा हमें, दिस इज द राइट ट्रायंगल, तो डी की रिप्लेसमेंट में हम क्या लिखेंगे, आपका एडी माइनस में डी, तभी तो आपका ए निकल के आएगा ना डी, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा ए हाइट में ए, ये अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम
साइड में यही कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या होगा, वर्ग का स्क्वायर माइनस 0.25। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो वन से वन आपका ये हो गया, अब ये वन है, ये आपका हाफ ऑफ में डिवाइड हो जाएगा, तो वन का स्क्वायर 1.05। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख रही हूँ, 3/4 रूट, तो क्या आएगा, रूट 3/2। ओके, हाफ मल्टीप्लाई बाय ए बी, ए बी आपका हो जाएगा वन, सॉरी ए बी आपका वन प्लस टू, ए बी इज वन एंड डी ए आपका टू, एंड मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री, रूट थ्री की वैल्यू होगी 1.736/2। हाफ मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय 1.736 डिवाइड बाय टू, टू से एग्जैक्टली डायरेक्टली कट कर दू 0.43 मल्टीप्लाई बाय दी बोथ नंबर्स, 4 3 12 डायरेक्टली हम 13 में ही मेंशन कर सकते हैं क्योंकि नियर बाय एरिया ले सकते हैं, यहाँ पे 6.5 हम सेकंड का याद रखना है। इन्होंने बोला है राइट एंगल हो गया, क्यों? तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 2 3 4.5। तो दिस वन इज द एक का जो है वो एरिया आ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा सेकेंड वन, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय, तो दिस वन इज 9 मीटर, दिस इज दी फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ। नेक्स्ट वन क्या जाएगा, एरिया ऑफ टोटल यूज पेपर, स्टार्ट ही नहीं कर रहा, तो टोटल एरिया इज दिस कि एडिंग इट वन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, 2.485 + 6.5 + 1.302 + 9। ओके, तो साइड में हम यहाँ पे एडिशन देते हैं 2.485 6.5 1.302 and 9, 7, 8, 5, 4, 4, 9, 2, 3, 12, 4, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 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
ask answer of the question. So I hope you clear this question, friend. This is the very important portion of the exercise. Exercise is 12.2. Okay, ये इसमें क्या है कि friends, this is very confusing part 1, 2, 3, 4 and 5. तो वन बाय वन आपको क्या करना है, एक एक का आपको एरिया फाइंड आउट करना है. लास्ट वन में क्या होगा, सम ऑफ दी ऑल पार्ट्स, कि जो आपको एरिया फाइंड आउट होते हैं उनका सबका जैसे हमने क्या किया, सम कर लिया. तो आई होप यू क्लियर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4. ए ट्रायंगल इन अ पैरेललोग्राम बेस्ड इन सेम, कि आपका क्या है, ट्रायंगल एक पैरेललोग्राम में बोथ द एरिया विल बी सेम फिर इफ दीज साइड्स, ए ट्रायंगल ऑफ 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 30, कि आपको ट्रायंगल उसके साइड्स क्या होने 26 28 एंड 30 एंड देन पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द सेम बेस, कि आपको क्या होगा फिगर, लेट सी. Thank you.
count 28 centimeter. And one side is also given 26. And one side is 30. Okay. So now area of triangle is this. Area of triangle. Using the Heron's formula, S minus A, S minus B, S minus C. Okay, so the S is semi perimeter. A plus B plus C divided by 2. So A plus B plus C. 26 plus 28 plus 30 divided by 2. So A to 6, 4, 14, 4, carry 1, 3 to 5, 6, 7, 8, 1 carry 2, 4, 2. So the value of S is 42. Next, using the Heron's formula, 42 S minus A. 42 minus 26. 42 minus 28 and 42 minus 30. Okay. यहाँ पे क्या देगा 14, 16, 14 and last one is 12. After that, 42, 2, 21, 3, 7, 7, 1. 2 multiplied by 3 multiplied by 7, 4, 16, 4 multiplied by 4, 14, 7 multiplied by 2, 12, 2 multiplied by 2 multiplied by 3. Okay. Now using the pairs of the equation 3, 3, 2, 2, 4, 4, 7, 7 and last one is 2, 2. Okay. So 2 multiplied by 3 multiplied by 7 multiplied by 4 and last one is 2. 2 is a 6, 6 folds are 6, 7 is 42, 42 multiplied by 8, 7, 8. The area of centimeter square. The area of triangle is 336 centimeter square. उसके बाद क्या था students, क्या बोला गया था कि आपको एक parallelogram also given है, उसमें आपका जो base है this is given in 28 centimeter. तो अब क्या करना पड़ेगा, area of parallelogram का formula क्या होता है, area of parallelogram बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसे इसने गिवन कि बोला क्या है कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों का एरिया है वो इक्वल है. तो डबल डबल 36 इज इक्वल टू में बेस इज गिवन इज आल्सो 28 एंड फाइंडिंग हाइट. Thank you.
3 multiplied by 2 देखो 2 is a 6, 6 is a 18, 18 is a 54, अब 3 और 2 का वापस 24 का 2 multiplied by 2 multiplied by 3 एंड वापस 1 2 3 इसको हम क्या करेंगे, रूट से हम कैंसिल कर रहे हैं, तो देखो 3 से 3 3 का कर गया, अगेन 3 का, अगेन 2 का, अगेन 2 का, अगेन 3 का, एंड अगेन 2 का, एंड लास्ट वन 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 is 9, 9 is 18, 18 is 36, 72, 72 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई, 2 3 is 6, 492, ठीक है। अब क्या है फ्रेंड्स कि जैसे ये 492 बना है कि अपना 432 कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या है 432 की 72 को 6 से मल्टीप्लाई किया हमने क्या है 432। अब क्या है 432 है फ्रेंड्स वो क्या है कि आपका एक ट्रायंगल उसका एरिया, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर। अब जब ये एक का है तो दूसरे को हमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 कि दो ट्रायंगल्स का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा एबीसी प्लस में एडीसी, तो यहाँ पे क्या होता है क्या तो दोनों में सेम है तो प्लस कर रहे हैं फिर मल्टीप्लाई करना, तो 2 multiplied by 432, तो 2 3 4, 2 3 6, 2 4 8 मीटर। तो ये आपका क्या है कि टोटल एरिया ऑफ रोमबस आ गया, कि टोटल एरिया ऑफ रोमबस आ गया है। अब नेक्स्ट तो उसके बाद क्या बोला फ्रेंड्स कि आपको 18 जो काउस है कि वो टोटल एरिया दे रहा था कि इतना जो काउस है उसमें इतने का चारा होता है खरीदे, ठीक है, तो वो आपको एक का फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा 864 divided by 18, 3 से हो जाएगा 3 6 18, 3 2 6, 2 3 8 3 8, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर 6 से डायरेक्टली कर लो 6 4 24, अब यहाँ पे क्या होगा 4 6 4 6 8 14, तो जो एक जो काउ है उसके लिए जो आपका एरिया है वो कितना है सिर्फ 48 मीटर। तो आई होप दिस इज क्लियर दिस क्वेश्चन, एनीवन हैविंग ए डाउट प्लीज मुझे आप कमेंट कर दो। अब ये देखो ये मीटर में आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, तो आपका अब तक आंसर ये किस में था मीटर स्क्वायर में, ये वाला आंसर भी किस में आएगा मीटर स्क्वायर में। सर प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, एन अम्ब्रेला इज मेड ऑफ स्टिचिंग ए ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, ईच पीसेस ऑफ मेजरिंग 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड 50, हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर दी अम्ब्रेला। इसमें फ्रेंड्स क्या है कि एक अम्ब्रेला बन रहा है और उसमें क्या है देखो एक ट्रायंगुलर शेप में है कि यहाँ पे ये भी 50 हो गया, तो इसमें ये भी 50 है और ये साइड आपकी 20, तो क्या हो रहा है कि आपकी दो साइड इक्वल हुई। इसमें आपको पहले किरोन्स फॉर्मूला यूज करना है कि बोला कि ये एक पीस है और ऐसे आपको कितने कट करने हैं 10 करने हैं, तो पहले एक का एरिया फाइंड आउट कर दो और आफ्टर दैट मल्टीप्लाई बाय 10। तो हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पहले सेमी पेरिमीटर फाइंड आउट होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, 50 प्लस 50 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 50 और 50 100 डिवाइडेड बाय 20, 120 डिवाइडेड बाय 2
60 मीटर। अब एक का क्या है, एक सेंटीमीटर में क्यों है ना, सेंटीमीटर का जब एक सेंटीमीटर में आपका एस आया, अब क्या है गिरोस फॉर्मूला, गिरोस फॉर्मूला की फॉर्मूला क्या है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हो गया। तो एस के लिए 60 माइनस 50 60 माइनस 50 60 माइनस 20 ब्रैकेट में रूट हो गया। अब अंडर रूट 60 एज इट इज आ जाएगा, 60 माइनस 50 10 60 माइनस 50 10 60 माइनस 20 ये हो गया। अब देखो 10 to 10 का एज इट इज हो गया बाहर निकल के, इसको तुम मल्टीप्लाई कर लेते हो। अब वैसे देखो इसको क्या 60 को क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 60 को साइड में करके देख लेते हैं, 30 2 50 3 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 या फिर 10 को 10 ले लेते हैं क्योंकि पेयर बन जाएगा। 40 को क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो गया। अब क्या है इनके वापस हमें क्या है कि वापस पेयर बना ले, ये अंडर रूट हो रहा है और पेयर देख लेते, देखो 2 2 मल्टीप्लाई बाय लास्ट में 3 कहीं पे भी नहीं है तो रूट 3 पे एज इट इज ही हो जाएगा। और देखो 5 है 5 होगा, 10 है 10 होगा और 8 2 होगा और लास्ट में 2 रूट मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे क्या है कि सिंगल सिंगल है तो इसलिए क्या हो जाएगा सिंगल सिंगल ही हो जाएगा। और देखो 2 5 10 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2 5 10 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 100 मल्टीप्लाई बाय 2 200 राइट। तो 200 आ रहे हैं तो 200 को क्या करोगे, 200 root 2 3 6 सेंटीमीटर। अब एक का एरिया आपका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है तो इट्स मीन क्या हो रहा है, अब क्या है उसके बाद क्या बोला है कि आपको कितने स्टिचेस गिवन है यहाँ पे 10 है तो अब मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, मैं आप ऊपर करा देती हूँ रब करके, नीड्स क्लॉक 10 pieces तो क्या आएगा 10 multiplied by 200 root 6 तो क्या आएगा 2000 under root 6 ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको टोटल कितना जो नीड जो क्लॉथ है वो 2000 root 6 centimeter square। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज फ्रेंड्स 12.2 प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज फ्रेंड्स a kite in the shape of a square with a diameter 32 cm and its isosceles triangle is base is 8 cm and size is 6 cm each to be made of 3 different inch in the figure how much paper each shade in use। ये क्या बोला गया फ्रेंड्स कि एक काइट है वो किसकी शेप में है, स्क्वायर की शेप में है। जैसे स्क्वायर की शेप में है और एक नीचे बोला है एक isosceles triangle है उसकी साइज क्या दी मैंने आपको 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या है कि इसमें भी एक डायगोनल की शेप है, एक डायगोनल ड्रॉ कर दिए तो ये किसके में है स्क्वायर के में। तो अब उसमें क्या बोला ये भी आपको क्या है आपने अभी क्या है शेडेड पोर्शन ये भी शेडेड तो ये वाला एरिया निकाला। अब स्क्वायर है तो इट्स मीन कि आपके ये क्या है साइड इक्वल हो जाएगी और डायगोनल भी इक्वल हो जाएगा। तो कैसे डायगोनल कैसे निकालोगे, अब देखो यहाँ पे अगर हमें इन्होंने डायगोनल बोला कट होगी ये भी 32 ये भी 32 ठीक है। तो ये साइड ए हो जाएगी वो देखो ए बी सी तो क्या आएगा यूजिंग पाइथागोरस स्क्वायर में क्या आएगा ए सी का स्क्वायर क्या होगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में प्लस बी सी का स्क्वायर ये है। जब एसी का स्क्वायर है एसी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, देखो अभी ये साइज क्या है कि यहाँ पे आपको 32 गिवन है तो 32 इज इक्वल टू में क्या आएगा
32 क्या आएगा? अब यहाँ पे साइड ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं, ठीक है? एक टॉपिक है स्क्वायर मेरा, तब 32 मल्टीप्लाई बाय 32 हो जाएगा, तो 32 का तो स्क्वायर होगा ना, इसका टू में, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी तो मैं प्लस में स्टूडेंट्स आपको किसमें आना था, मल्टीप्लाई में प्लस में आना था, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो क्या आएगा, ए प्लस ए का 2a अपॉन में 32 मल्टीप्लाई बाय 32, अब 2a हो गया, तो अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दूं मैं, 32 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय 2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16, अब 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गई आपकी मीटर स्क्वायर, ये आ गई आपकी क्या एक क्वेश्चन है, ठीक है? अब क्या बोले कि ये अगर एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन में भी आपका क्या है कि टोटल आ गई, अब टोटल में क्या बोला गया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर की आ गई, उसके बाद क्या बोला गया है कि आपको हाफ एरिया है वो शेडेड है और हाफ एरिया आपका प्लेन है, तो शेडेड पोर्शन क्या देगा, शेडेड पोर्शन ऑफ ए बी सी क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई बाई 5.2 × 2 × 4 × 2 × 5 × 2 × 6 × 256 मीटर स्क्वायर, तो आपका क्या आ गया, क्योंकि यहाँ पे हाफ आपका प्लेन पेपर हो रहा है, अब नीचे क्या है, सेम 256 ही आ गया, 256 ही आ गया, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या आएगा, आपको थर्ड का फाइंड आउट करना है, थर्ड का कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे क्या गिवन है, आपको एक ट्रायंगल गिवन है, कौन सा आई सी सर्कल, तो इसमें क्या होगा, आपको हीरोन फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देती हूँ मैं, वो क्या आएगा, अभी पहले एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 6 + 6 + a डिवाइडेड बाय 2, 6 + 6 20 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, सेंटीमीटर में ही हो रहा है। नेक्स्ट क्या होगा कि ये आपका सेंटीमीटर में आ गया, अब आपको हीरोन फॉर्मूला प्रूव करना है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस एस क्या आएगा आपका 10 आ गया, अब क्या आएगा 10 - 6 10 - 6 10 - 8, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, अब सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट रूट में चल रहा है, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, अब क्या आएगा 5 × 4 का एज इट इज इजीली देखते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और देखो 2 का 2 से पेयर बन गया 4 का 4, ये रूट का था, तो क्या आएगा 4 × 8 आपका आंसर क्या आएगा, 8√5, ठीक है, क्योंकि रूट 5 रूट तो 5 का है नहीं कोई, ये क्या आएगा सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आंसर कि आपका जो ये वाला जो एरिया है वो क्या रहा है, √8√5 सेंटीमीटर, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 12.2, तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन, ओके, तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है यहाँ पे दिस इज गिवन इन पेज नंबर 207 चैप्टर नेम इज हीरोन फॉर्मूला, क्लास सीरीज आपको पता ही है 9th, और बुक जो है वो आपकी एनसीईआरटी, ओके, नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए फ्लोर डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स व्हिच आर रेक्टेंगुलर, द साइज ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग ऑफ द टाइल्स एट द रेट ऑफ द 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर, तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या है कि एक देखो एक ट्रायंगुलर टाइल बन रही है, क्या बोला है कि एक ट्रायंगुलर टाइल बन रही है, वो बन रही है आपकी ए टाइल्स बन रही है, मैंने आपके ये ड्राइंग ड्रॉ कर दी है, ओके,
कि आपकी क्या होगी कि एक टाइल बन गई, तो ये बोला कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, एक टाइल हो गई। उसमें बोला है कि साइड आपकी क्या है कि ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये आपकी 35 मान लेते हैं, 35 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 9 सेंटीमीटर। ओके, कि एक टाइल, तो इसमें बोला है इधर एक टाइल का एरिया है वो है, और टोटल क्या है कि एक ब्लॉक्स करके 1 पे कितने टाइल्स होंगे, 2 होंगे। देखो 1 सही है, दिस वन 2, तो टोटल 16 टाइल हो गई। उसमें बोले कि 16 टाइल्स के बाद मीटर, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग कि यहाँ पे कितना रुपए लगेगा पॉलिशिंग इन सब टाइल्स में होने में। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एस फाइंड आउट करना होगा सेमी पेरिमीटर। सेमी पेरिमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, 35 प्लस 9 प्लस यहाँ पे 16 नहीं सॉरी 36। तो जैसे एस आ गया तो अब वैल्यूज पुट कर दिए, तो वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, अंडर रूट 36 माइनस 8, तो 36 से माइनस 8 यहाँ पे क्या आपका आ जाता 35, 36 माइनस 28 एंड लास्ट वन 36 माइनस 16 सॉरी माइनस ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब रूट क्या आएगा यहाँ पे 36 तो 35 करेंगे बाद, अब 28 करेंगे तो क्या आएगा 8, और यहाँ पे क्या आएगा 27। अब देखते हैं हम 36 में देखो 6 और 6 का पेयर बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा 8 है मल्टीप्लाई का साइन लिया स्टूडेंट सॉरी, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और सेम यही आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो देखो 6 का पेयर 6 हो गया, 2 का पेयर 2 हो गया, 3 का पेयर 3 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2 और 1 3, यहाँ पे क्या है रूट 6, 2 3 6 6 6 36, तो आपका आंसर क्या आता है 36 रूट 6। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि रूट 6 की वैल्यू कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि रूट 6 की वैल्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 का आ रहा है और आपको क्या है 16 टाइल्स है, 16 टाइल्स का एरिया फाइंड आउट करना है, और जैसे 16 टाइल्स का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा आपको क्या है पॉलिशिंग कॉस्ट भी निकालनी है, तो जो रूट 6 का जो वैल्यू होगी वो आपकी होती है 2.45, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 2.45, तो यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.45 को 36 से, 6 5 30 ठीक है 6 5 30 3 6 4 24 27, 2 2 12 13 14 3 5 15 3 4 12 13 3 2 6 7 0 12 2 8। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाता है सर 108। ठीक है, कि आपका आंसर क्या आ रहा है कि 108, तो आपका आंसर आ रहा है सर यहाँ पे 8 2 0 6 1
तो आपका आंसर क्या आ रहा है 14.11.6। तो ये टोटल एरिया आ गया। अब सर जैसे ये टोटल एरिया आ गया उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका क्या गिवन है कि 50 रुपीज पर पैसा। एग्जैक्टली 50 रुपीज पर पैसा। तो आपको पॉलिशिंग कॉस्ट कर देगा एरिया ऑफ पॉलिशिंग कॉस्ट, तो ये क्या आएगी 14.6 मल्टीप्लाई बाय कितना गिवन था 0.50। तो ये सिर्फ मुझे ऑलरेडी आंसर सारे याद है, आप अपना मल्टीप्लाई कर, मैं यहाँ पे सेल्फ में मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1.156 मल्टीप्लाई बाय 0.50, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 50। तो डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या आया, एक यहाँ पे क्या था 50 की बार डेसिमल था, ठीक है, तो हमने जैसे दो की बार डेसिमल लगाया तो यहाँ पे भी क्या आया 1 0 और 1 0, तो यहाँ पे 3 के बार डेसिमल लगा आपका, 3 के बाद एक मैं बताती हूँ कैसे 2 ये और ये बन रहा। तो आपका जो टोटल कॉस्टिंग ऑफ रुपीज है वो कितनी आई है 705.8 आपकी यूएमएच लगाना नहीं तुमने। तो टोटल कॉस्टिंग ऑफ दी आपको जो कि ये फ्लोर की ये आपकी जो रंगोली बनानी, इसको एक रंगोली डिजाइन बोला हुआ या फिर टायर डिजाइन से बोला कुछ ग्रुप्स में रंगोली डिजाइन स्टूडेंट, तो आपकी टोटल जो कॉस्ट है वो 705.80। तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, और एनी वन हैविंग ए डाउट तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 9 है ए फिल्ड इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज पैनल साइज आर 25 सेंटीमीटर एंड 10, द नोन पैनल साइज आर 14 मीटर एंड 13, फाइंड द एरिया ऑफ द फिल्ड। इट्स मीन क्या होगा कि आपका एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेगा, ये ट्रेपीजियम हो गया, इसमें क्या होते हैं ये ट्रेपीजियम हो गया, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये 10 मीटर हो जाएगी, ये 25 हो जाएगी, जो पहले साइड है वो आपके 10 सेंटीमीटर है और 25, तो जब कम वाली है वो 10 हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी ये भी 10 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 10 मीटर एंड दिस वन इज 15 मीटर, तो टोटल कितनी हुई आपकी 25। अब उसके बाद बोले कि द नोन पहले साइड ऑफ 14 एंड 13, तो यहाँ पे क्या आएगी 13 मीटर, यहाँ पे फिर 13 ये क्या आएगी 14, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक तो ये यहाँ से और यहाँ तक क्या हो रही है ये तो 15 हुई थी, यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ से यहाँ तक जो सेम हो, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे कि इस ट्रायंगल का निकाले जाएगा, तो ट्रायंगल का निकालने के लिए मैंने लास्ट क्वेश्चन से फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो एस निकालने के लिए क्या करोगे आप 13 + 14 + 15 / 2, ठीक है, तो 5 × 4 = 9 3 = 12, ठीक है, 12 + 2 = 1 कैरी, 1 2 3 4 2, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाता है 21। जैसे एस 21 आ जाता है आपको क्या करना है यूजिंग दी हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या करोगे 21 - 13, 21 - 14 and 21 - 15, ठीक है, तो नेक्स्ट होगा 21, तो 21 ऐसे कैसे आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, क्योंकि 21 में से 15 गया 6, 21 में से 14 गया 7, 21 में से 13 गया 8, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ओपनली कर लेते हैं 3 × 7, यहाँ पे क्या आएगा 2 × 2 × 2 7 × 7 = 10, 6 हो गया, 2 × 2 = 2 हो गया, 21 को 2 से करेंगे 41, 2 से करेंगे 84,
मीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया जो टोटल है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया आपका, ये क्या गया आपका 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब ये 84 मीटर स्क्वायर आ गया, अब आपको क्या है, अगर इसमें क्या है ऐसे करें तो ये आपकी हाइट फाइंड आउट हो जाएगी। तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है 84 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय बेस आपको कितना यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 84 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 15। तो यहाँ पे हो जाएगा 84 को हम पहले 3 5 15 यहाँ पे कहेगा 3 2 6 यहाँ पे 2 रिमाइंडर 3 है, तो यहाँ पे कहेगा 56.5। तो डिवाइड करेंगे 5 5 5 5 5। तो आपकी क्या आ रही है हाइट, आपकी क्या आ जाएगी, क्योंकि आपको ट्रेपीजियम के लिए यहाँ चाहिए, तो हाइट आपकी जो आ रही है वो 11.2 मीटर आ रही है। तो एरिया ट्रेपीजियम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय, इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आपकी जो है हाइट फाइंड आउट की गई है, जो ये वाली हाइट है इसीलिए डायरेक्टली बेसिकली फाइंड आउट की है कि यहाँ पे जैसे हाइट आ जाएगी कितना होगा। तो यहाँ पे सम ऑफ द पैरेलल साइड 10 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है आपकी 11.2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 35 मल्टीप्लाई बाय 11.2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं साइड में 11.2। ठीक है, 5 10 5 5 5 5 3 2 6 3 1 3 0 2 9 3। तो यहाँ पे क्या एक के बाद डेसिमल मतलब आपका आपका आंसर क्या है 39.2। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अब मीटर में आंसर आएगा सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ऑल द यूनिट्स गिवन इन मीटर, तो जैसे मीटर में गिवन है तो 2 times मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो सिर्फ प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ओके, तो फ्रेंड्स टुडेज क्लास ओवर, तो कंप्लीट दी एक्सरसाइज। अगर आपको मेरी वीडियो को पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और फ्रेंड्स मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरा इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज या फिर टेलीग्राम ग्रुप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और एनीवन हैविंग अ डाउट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स कमेंट भी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। ओके, बाय।